लेकिन हल एक ही है और हल आईन ही में लिखा हुआ है। इजहार राय का रिस्पेक्ट करना, यहां पे हम ऐसे माहौल में रहते हैं कि एक सियासी लीडर अगर कमजोर हो जाए, और ये आपकी पूरी तारीख में हुआ है, उसको अदालत सजा देने से पहले या रियासती तौर पे या एक बहुत बड़ा सेक्शन जो उसके मुखालिफ होता है वो उसको सजा देने से पहले सजा दे चुकी होती है। आप अपनी पीछे सारे जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है आप उसको देख लीजिएगा। मैं सिर्फ एक उससे कल एक बहुत गरीब सा कैडी है, उस कैडी ने मुझसे पूछा कि जी ये बताइए क्या हालात ठीक हो जाएगा। अब ये बिल्कुल ना ये पढ़ा लिखा है, एक गरीब कैडी है जिसके सारे दिन में जो कोई उसको मिलता है वही उसकी मजदूरी है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम मुझे ये बताओ, तुम मोहल्ले में भी फिरते हो, हर जगह फिरते हो, क्या हमारे इकदार सोसाइटी के आज वो असूलों पे और सच्चाई पे और वो स्पॉन्टेनियसली हंस पड़ा? उसने कहा ये सच्चाई का दौर नहीं रहा। देखिए सच सबको पता होता है और सच 75 साल सबको पता था, लेकिन सच को हमेशा दबाने की कोशिश की गई और उसको दबाते दबाते 75 साल हम यहां तक पहुंच गए। मैं अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझता कि मैं किसी कोर्ट रिपोर्टर को बताऊं कि उसके असूल क्या हैं। जैसे मैंने कहा उनको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है, लेकिन मैं बहैसियत जज ये कह सकता हूं कि हमें अगर कोई गलत भी कहता है, कोई अगर ये भी कहता है, मैं तो टेलीविजन पे देखा मेरे बारे में किसी ने कहा कि जी वो तो व्हाट्सएप पे किसी के साथ ताल्लुक में रहते थे, मैं हंस पड़ा। मैं हंस ही सकता हूं लेकिन उसकी मैंने कभी किसी चीज की परवाह नहीं की है। हर दौर में किसी ने मुझे दो फ्लैट दिला दिए, किसी ने क्या किया, क्या उसका कोई फर्क पड़ा? बहैसियत जज हम पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, हम अच्छे हैं या बुरे हैं वो हमारे फैसले, एक फैसला नहीं, ओवर द इयर्स अपने करियर में जो कुछ करेंगे वो खुद ब खुद वो सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन कभी भी अदलिया को, कभी भी किसी जज को ये सोचना ही नहीं चाहिए, ये अटेम्प्ट ही नहीं करनी चाहिए कि वो इजहार राय को या किसी कोर्ट रिपोर्टर को मना करे या इन्फ्लुएंस करे कि उसने क्या करना। यही हमें आजादी दिला सकती है, यही हमें सही रास्ते पे डाल सकती है। सच्चाई सच्चाई ही रहती है, झूठ जितना भी बोला जाए आखिर में सच ही
प्रिवेल करता है। अगर इजहार राय 75 साल उसकी कदर की होती हमने, इजहार राय को हमने सही मानों में पनपने दिया होता तो न पाकिस्तान दो लख्त होता, न हमारे लीडर जो हैं वो सूली पे चढ़ते। इसलिए ये सिर्फ अदलिया का काम नहीं है, ये आप सब का भी काम है।